हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जी गाइस, सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से हम भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। तो जी गाइस, मॉर्निंग हो गई है और जो है मतलब इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रहे हैं, बना नहीं पा रहे थे और बस ऐसे ही जैसे मतलब कि मन नहीं था व्लॉग बनाने का। और बच्चे भी जो है उठ गए हैं और अभी जो है ना मतलब कि कुछ करार नहीं है। तो चलिए करते हैं व्लॉग स्टार्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आप भी मतलब ठीक ही होंगे, मतलब कह रही हूँ ठीक ही होंगे। तो मतलब अभी जो है ना कुछ भी मतलब काम वगैरह हुआ नहीं है, बच्चों के लिए अब नाश्ता रेडी करेंगे, फिर उसके बाद से जो है घर का काम वाम करेंगे। और बच्चे जो है उठते हैं, मतलब आज तो खिजरा की छुट्टी है इनके स्कूल की, इनके क्या सब बच्चों की ही स्कूल की छुट्टी है। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बनाते हैं, फिर उसके बाद से जो है काम वाम करते हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो जी गाइस, ये जो है कल कपड़े धोए थे, धुले हुए ऐसे ही रखे हुए हैं, मैं इनके ऊपर प्रेस करती बस प्रेस नहीं कर पाई थी, तो ये ऐसे इधर पड़े हुए हैं। और यहाँ के रूम की कुछ ऐसी हालत हो रही है, अभी यहाँ की सफाई होगी हुई नहीं है। और मशीन में ही देखिए कपड़े हैं, अब मशीन में डाल के जो है पानी वानी डाल के हम रख देंगे, इतने कपड़े धुलेंगे। बच्चे अंदर हैं, वो अपना कार्टून देख रहे हैं। और बच्चे आज क्या खाएंगे, खाएंगे सैंडविच। और इधर हमारी चाय बन चुकी है, मतलब बन रही है। और ये रही मियाउनी, हमारी ख़त्म हो गई थोड़ी सी है, तो बच्चों को मैं बना के देती हूँ सैंडविच, इन्हें सेक वेक के दूंगी जैसे मैंने उस दिन डाली थी। और किचन की भी कुछ ऐसी हालत है, तो चलिए फटाफट से करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, पहले बच्चों को नाश्ता करवाते हैं। तो जी गाइस, देखिए बच्चों के लिए जो है सैंडविच बन गई है, अब इसको मैं जो है कट कर लूँगी। और एक और इधर बना रही हूँ मैं, इनके कई मतलब बच्चे फिर दोबारा नहीं कह दे, क्योंकि देखिए हमारी चाय भी इधर रेडी हो चुकी है। और ये मैं सेक रही हूँ देसी घी में, ये रहा, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ मैं देसी घी में ही बनाती हूँ बच्चों के लिए। और इधर जो है हमारा एक ऑमलेट है, ये रहा, इसके अंदर मैंने एक दो हरी मिर्च कट कर ली हैं और बिल्कुल आधी छोटी सी है ना, मैंने इसमें प्याज चॉप कर ली है। और अपने लिए बना लूँगी मैं ऑमलेट। और ना हमारी ना मतलब केचप है ना इसके अंदर है, तो वो बड़ा पैकेट है ना, तो मैं इसमें छोटी बोतल में पलट लेती हूँ, तो फिर इसके अंदर डालती हूँ। तो चलिए बच्चों के जो हैं सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, मैं बच्चों को कट करके दे देती हूँ, फिर फटाफट से मैं अपना ऑमलेट बनाती हूँ। तो जी गाइस, हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, बर्तन मैंने यहाँ रख दिए हैं, बर्तन धोऊंगी मैं बाद में। और जो है पहले हम अपने ना मतलब घर झाड़ेंगे, निकालेंगे झाड़ा, दीवारें वगैरह अपनी साफ करेंगे। तो चलिए फटाफट से अपना जो है अपना घर जो है दीवारें वगैरह साफ़ करते हैं, छत वत वो रही आयरा। तो चलिए मिलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस, देखिए मैं अब निपटी हूँ और आयरा की गुड़िया यहाँ बैठी हुई हैं। और जो है ये देखिए, मैंने दुपट्टे यहाँ फैला दिए हैं, कुछ कपड़े यहाँ पर हैं क्योंकि मैंने कल धोने थे ना, ये रहे कपड़े और मशीन पर भी हैं। और निमटते निमटते इतना टाइम हो चुका है, पूरे घर में कपड़े कपड़े हो रहे हैं। और इनके पापा आके सो भी गए हैं खाना वाना खा करके। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह घर जो है साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और बच्चे अभी जो है पढ़ने के लिए गए हैं और मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और जो है चलिए अब बच्चे जब आते हैं तो देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बनेगा। तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जी गाइस, मैं ना चिप्स खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। और जो है मतलब ये लोग तो, इनके पापा भी खाना वाना खा के सो गए हैं, मैंने कुछ खाया नहीं था, बस सुबह गई वो एक आमलेट खाई हुई थी दो ब्रेड के साथ में, तब मैं निपटी हूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं भी खा लेती हूँ, फिर बच्चे आएँगे, फिर अगर ये उड़ गए तो फिर मैं चाय वाय बनाऊँगी। तो अपनी इस चिप्स इंजॉय करते हैं, लीजिए आप भी खा लीजिए। तो जी गाइस, बच्चे जो है ना आए नहीं हैं। और ये देखिए आलू मैं कट कर रही हूँ, और ये 2 किलो आलू हैं। और ये देखिए आज हम क्या बना रहे हैं, तो मैंने छील लिए हैं। और ये देखिए मैं पानी में डाल ली हूँ ना कट कर करके, आज बनाएंगे हम चिल्ली पटेटो। बहुत दिन हो गए ना मतलब बनाए हुए चिल्ली पटेटो, बच्चे भी बोल रहे हैं बच्चों को फिन फ्राइज दे देंगे, अपने लिए चिल्ली पटेटो बना लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिए हैं और छिलके इधर रखे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से जो है मैं आलू कट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा लाइए बैठे बैठे कर ही लूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है छीलने में कट करने में। तो फटाफट से अपने अपने आलू जो है काट लेते हैं।
तो जी गाइस बच्चे तो आए नहीं हैं, आलू आलू कर करके मैंने कप के रख दिए हैं। और ये देखिए मैंने चाय बना ली है, ये है बिस्किट काजू वाले और ये नान खटाई वाले बिस्किट हैं, इसमें नमकीन है। तो चलिए अपने शाम का नाश्ता करते हैं अपने और जो है अपने खाते हैं, क्योंकि मेरा ना ऐसा लग रहा है जैसे बीपी सा लो हो, तो मैंने चलो चाय बना के पी लेते हैं। देखिए तो चलिए मेरे पापा को उठा देती हूँ मैं। तो जी गाइस माशाल्लाह मौसम जो हो चुका है बहुत प्यारा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देखिए एकदम अंधेरा सा हो चुका है और ये हो रही है अभी शाम और बारिश आने लगी है। और मेरे कपड़े फैले हुए थे यहाँ से उतार लिए क्योंकि मैंने अभी देखे हैं। और ये देखे मैंने आयरा खिजरा की जो है कटिंग करी, आयरा दिखाओ तो सही। ओए हो आयरा ने अपने सारे बाल ख़राब कर लिए, वो यूँ कर लिया, आयरा गई थी पढ़ने के लिए तो इनकी बेबी कटिंग हो चुकी है ख़राब। जब ये नहाएंगी ना बहुत प्यारे माशाल्लाह से इनके बाल लग रहे हैं, पीछे से भी मैंने कटिंग करी थी इनके और अब आगे से भी, और इधर खिजरा ने भी करवाई थी अब इनकी कटिंग। खिजरा ने भी अपने सारे ये रहे पीछे के बाल आगे कर रखे हैं, सब बाल ख़राब कर रहे हैं खिजरा ने भी। तो चलिए और ये देखिए अब है ना मतलब मगरिब के जाने जाएगी ना, फिर उसके बाद जो है हम अपने चिल्ली पटेटो बनाने की तैयारी करेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो चलिए मौसम के मजे लेते हैं। जी गाइस गोलगप्पे मंगा लिए, देखिए आयरा कैसे खा रही है, ये देखे ये सब गिरा गिरा के। और चलिए बहुत दिनों हो गए थे गोलगप्पे खाए हुए, तो मैं इनके घर में ही मंगा लेते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है, ये रिया इसका ग्रीन ग्रीन पानी। तो चलिए गोलगप्पे खाते हैं अपने पानी में डिप करके और मौसम का मज़ा भी लेते हैं। और ये देखिए आयरा को, आयरा कैसे खा रही है। तो चलिए खाते हैं अपने गोलगप्पे, इंजॉय करते हैं हम। तो जी गाइस हमारे जो है चिल्ली पटेटो की तैयारी हो रही है और ये देखिए थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं और ये इसमें डले हुए हैं कढ़ाई में, इधर भी हैं। और ये देखिए मैंने इसके लिए निकाल लिया है, जाओ बेटे। ये मैंने दो छोटी मतलब मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी मैंने इसे चॉप कर लिया है और दो प्याज हैं इन्हें भी मैंने स्लाइस में काट लिया है। इसमें हमारी ग्रीन रेड वाली चटनी जो होती है ना लाल वाली वो डालेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हमारी जो है टमाटर सॉस। और जैसा मैं करूँगी आपको दिखाऊँगी। वैसे मैंने रेसिपी तो डाल रखी है चिल्ली पटेटो की, लेकिन मैं दोबारा से करना मतलब दिखा रही हूँ, बहुत से लोग मतलब देख नहीं पाते ना पिछले व्लॉग, और इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारी रेसिपी देख लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से बनाती हूँ। तो जी गाइस हमारे जो है देखिए फ्रेंच फ्राइज चिल्ली पटेटो हो चुके हैं और ये मतलब रह गए हैं। और हाँ सॉरी मैंने आपको ये बताया नहीं था, मैंने अपने आलूओं के अंदर कट करके जो है इसके अरारोट और इसके अंदर फ्रूट कलर मिलाया था और उसको अच्छे से मिला लिया था हमने, ठीक है। कभी आप कहेंगे ये नहीं बताया। और इसके अंदर देखिए हमने पतीली में माशाल्लाह तेल डाल दिया है, तो हमने कढ़ाई में से ही डाला था मैंने तेल क्योंकि गर्म तेल था। तो इसके अंदर जो है अब हम अपनी प्याज कट करी हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देंगे और थोड़ी सी प्याज को जो है सोटे होने देंगे। फिर उसके बाद से जो है ये रही शिमला मिर्च भी हम हाथों हाथ ही डाल देते हैं इसके अंदर, दोनों चीज़ें जो है हमारी अच्छे से सोटे हो जाएंगी। फिर उसके बाद से जो है हम अपना मसाला इसके अंदर मिक्स करेंगे, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और इतने जो है हमारे यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज भी तैयार हो जाएंगे, तो ये देखिए। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और हाँ ये जो हमारा जो इसका पानी है ना हम फेंकेंगे नहीं, ये भी हम जो है अपने चिल्ली पटेटो के मसाले के साथ डाल देंगे। तो जी गाइस ये जो है हमारी प्याज और शिमला मिर्च जो है सोटे हो चुकी है, अब इसमें अपना मसाला मिक्स कर लेंगे। और इधर हमारे आलू भी फटाफट से फ्राई हो गए और मैं हाथों हाथ यहाँ से समेट रही हूँ, बर्तन थे वो भी मैंने खंगाल दिए, ये देखिए दो दिए हैं, बस यहाँ से सफ़ा करना रह जाएगा तो वो हम करेंगे बाद में। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला जो है अच्छे से देखिए भुन चुका है, पक चुका है, मैंने सब कर लिया है। अब हमने इसके अंदर गर्म गर्म अपने आलू डाल देंगे, फिर इसको थोड़ा सा और बना लेंगे। ये देखिए गाइस तैयार हो गए हैं चिल्ली पटेटो, ये रहे आयरा के सादे वाले, ये रहे बराबर में देंगी, और ये रही सॉस आई है, जो खा लीजिए फ्रेंच फ्राई फ्रेंच चिल्ली पटेटो है। तो जी गाइस
हम लोगों ने जो है चिल्ली पटेटो वगैरह खा लिए थे, और जो है मतलब मैंने खाना बनाया नहीं था आज, तो आपको तो पता ही है एक चीज़ खा लो तो फिर उसके बाद से जो है मतलब मन नहीं करता है खाने का, खाया नहीं जाता है, तो इसलिए हमने जो है ना मतलब कि वही खा लिया था चिल्ली पटेटो। और जो है भाजी ने जो है मतलब जो बराबर में रहती हैं तो उन्होंने वो दे दिया था, चिकन का सालन बनाया था तो वो दे दिया था। और कल जो है ना मैंने रोटी बनाई थी तो रोटी जो है ना बहुत सारी मतलब बच गई थी, खाई नहीं गई थी, और आलू की कतलियाँ बनाई थी तो वही रोटी रखी हुई थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। तो इनके पापा ने फिर थोड़ा बहुत वो खा लिया था, चावल भी थे, तो बस यही हो गया था। और माशाल्लाह हमारे चिल्ली पटेटो जो है बहुत अच्छे बने थे, चटपटे बने थे। और आप बताइएगा आपको कैसे लगे, और आप भी बना के खाइएगा अपनी यहाँ हमारी रेसिपी से, और आप कैसे बनाते हैं और किस तरीके से बताते हैं वो भी बनाते हैं वो भी बताइएगा। और बस और ज़्यादा मतलब इतना कुछ है नहीं, बस यही था। और जो है गोलगप्पे भी मतलब कि शाम में खा ही लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारी रेसिपी कैसी लगती है आपको ये भी बताइए कमेंट में, प्लीज़ बता दीजिए करें आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और दुआ कीजिए कि हमारे ब्लॉग रोज़ाना आए। बस होता है कभी कभी मतलब मन अच्छा नहीं होता ना तो नहीं मतलब हिम्मत होती है, फिर मैं अकेले हाथ से आपको पता है व्लॉग भी मतलब मैं वीडियो भी शूट करनी होती है, और इधर में जो खाना भी बनाना होता है तो फिर इधर मैं हाथ से पकड़ूँ कैसे और बनाऊँ कैसे, तो बस थोड़ा मूड ऐसे हो जाता है। और इनके पापा कुछ कर नहीं पाते, करते ही नहीं है, कहते मैं नहीं कर रही, तुम्हें करना है तुम करो, तो इसलिए फिर मेरा भी मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं नहीं मतलब कर पाती हूँ। और बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे तो देखो आपको पता है बच्चे तो नहीं कर पाएंगे, बच्चे कैसे कर लेंगे, बच्चे तो अभी छोटे ही हैं, और बस जितना मुझसे होता है मैं उतना कर लेती हूँ। और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए, और जितना भी आता है मुझे मैं उतना ही कर लेती हूँ, जैसा भी आता है जो भी आता है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक दीजिए, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल पर जाए सब्सक्राइब करें, लाइक दें, शेयर करें, कमेंट करें, और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे हम आपसे, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कल का ब्लॉग ज़रूर देखिए। तो चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल भी ब्लॉग डालें, तो बाय बाय।